सरदार शहर में भ्रष्टाचार का नया फॉर्मूला सामने आया। बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार में गड़बड़ी का खेल। दरअसल पोषाहार बैग में वजन पूरा करने के लिए 5 किलो मूंग दाल की जगह 5 पैकेट नमक डालकर किया जा रहा है बड़ा घोटाला। सरदार शहर में भ्रष्टाचार का नया फॉर्मूला सामने आया। सरदार शहर में 8वीं तक के राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के पोषाहार में डाका डाला जा रहा है। कोरोना काल के दौरान स्कूलों में पोषाहार नहीं पकने के कारण बच्ची कुकिंग कंजरों राशि से मिड डे मील के लिए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को वितरण की जा रही सुख की राशन सामग्री के बैगों में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। इन बैगों में 95 रुपये किलो की मूंग दाल के बदले में 10 रुपये प्रति किलो वाले नमक के पैकेट वजन को संतुलित करने के लिए डाल दिए गए। साथ ही चने की दाल के स्थान पर भी नमक के पैकेट वितरित करने वाले पैकेटों में डालकर भ्रष्टाचार किया गया है। करीब 20 से ज्यादा गाँव में इस प्रकार की शिकायतें सामने आई है जिनमें इस प्रकार का भ्रष्टाचार कर बड़ा घोटाला किया गया है। जबकि बच्चों के अभिभावकों ने घर पर जाकर पोषाहार के इन बैगों को खोला तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इस पर अभिभावकों ने स्कूल में जाकर शिक्षकों के सामने यह पैकेट खोले तब जाकर भ्रष्टाचार का यह काला खेल उजागर हुआ कि किस प्रकार बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार बैगों में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। शिक्षक संघ शेखावत के जिला अध्यक्ष विजय पोटलिया ने बताया कि अभिभावकों की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरदार शहर के राजकीय बालिका माध्यमिक स्कूल दून रासर में शिक्षकों ने अभिभावकों व अन्य ग्रामीणों की मौजूदगी में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड की ओर से भेजे गए सूखी राशन सामग्री के पैकेट को खोला गया। बैगों को खोलने पर सामने आया कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पैकेट्स में 2 किलो चने की दाल के स्थान पर 1-1 किलो नमक के 3 से 4 पैकेट थे। साथ ही कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को वितरित होने वाले राशन के पैकेट को जब खोला तो इनमें मूंग दाल बिल्कुल नहीं मिली। मूंग दाल की जगह नमक के 4 से 5 पैकेट मिले। हालांकि इन पैकेटों में अन्य सामग्री निर्धारित तौल के अनुसार मिली। कई पैकेट्स का निर्धारित वजन भी कम मिला। नियमानुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को वितरित की जाने वाली सूखी राशन सामग्री का कुल वजन 9.7 किलोग्राम होना चाहिए। वहीं कक्षा 6 से 8 तक की सामग्री वजन 14.7 किलोग्राम होना चाहिए। कई पैकेट्स निर्धारित वजन से 2 से 3 किलो तक कम मिले। गौरतलब है कि चूरू जिले में कक्षा 1 से 5 के 101,312 और कक्षा 6 से 8 तक के 60,188 विद्यार्थियों समेत कुल 16,01,500 विद्यार्थियों को सामग्री वितरित की जा रही है। यह सूखी राशन सामग्री 1 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2021 तक नामांकित बच्चों को दी जा रही है। इस घोटाले की यदि प्रति खुलती है तो निश्चित रूप से करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आ सकता है। वे भ्रष्टाचार का यह घोटाला सामने आने के बाद सरदार शहर के पुलिस थाने में पिकअप चालकों के विरुद्ध मिड डे मील में चोरी व हेराफेरी करने का मामला दर्ज हुआ है। सरदार शहर थानाधिकारी बलराज सिंह मान ने बताया कि विजय सिंह शेखावत ने रिपोर्ट दी है कि 17 अगस्त को सरदार सर तहसील में कौन फ्रेड द्वारा मिड डे मील कॉम्बो पैकेट वितरित करने का कार्य शुरू किया गया। सामग्री वितरण करने के लिए यहां से 10 पिकअप लगाई गई थी। यहां से गाड़ियां लोड कर स्कूलों में वितरण के लिए भेज दिया गया। जब सामग्री वितरण की गई तो सामने आया कि तेल व दाल की जगह नमक निकला। इसके बारे में बोगिरा खिलेरिया पुलासर मेरी बिल्लुबास रामपुरा बिल्लुबास मैया डाणी तेतरवान रणसीसर रूपलीसर आदि स्कूलों में शिकायतें मिली कि कॉम्बो पैकेट में दाल व तेल की जगह नमक मिला है। इस प्रकार पिकअप चालक ने रास्ते में दाल व तेल निकालकर उसकी जगह नमक डाल दिया। इस प्रकार चालकों ने चोरी व हेराफेरी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या पिकअप ड्राइवर इतना बड़ा घोटाला कर सकती है। इस मामले में सही जांच होने के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा कि भ्रष्टाचार किस लेवल पर हुआ है। हालांकि इतना तय है कि गरीब व कमजोर तबके के बच्चों के हक का निवाला छीना गया है। अभी विद्यालयों में जो 24 तारीख से सप्लाई की गई कॉम्बो पैकेट की, उनमें 6 से 8 तक का जो पैकेट था उसमें 3 किलो चने की दाल होनी चाहिए थी और 5 किलो मूंग की दाल होनी चाहिए थी। तो उन पैकेट्स में जितने भी पैकेट थे उन सब पैकेट में मूंग की दाल का एक छिलका ही नहीं था। 5 किलो तो बहुत दूर की बात है। इसकी कमी वजन की पूर्ति करने के लिए इन लोगों ने उसमें 3 किलो नमक होना चाहिए था, उसकी जगह किसी पैकेट में 5 किलो नमक, किसी पैकेट में 7 किलो, किसी में 8 किलो, इस तरीके से इन्होंने नमक की पूर्ति की। क्योंकि हम विद्यालय में एक एक पैकेट खोल करके नहीं ले सकते, हम उसका वजन ही चेक कर सकते हैं। तो इनकी वजन की पूर्ति करने के लिए मूंग दाल के स्थान पर इन्होंने नमक डाल दिया। जब हमारे अभिभावकों के बताने पर यह मामला सामने आया तो हमने SMC के अध्यक्ष और ग्रामवासियों को बुलाकर उनके सामने ये पैकेट खोले और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को भी बुलाया। तब ये उजागर हुआ कि बहुत सारे विद्यालयों में, लगभग 35-40 विद्यालयों की तो सूचना मेरे पास है, कि उनमें सब विद्यालयों में यही घटना हुई है। कक्षा 1 से 5 तक के पैकेट में चने की दाल गायब है और 6 से 8 तक के पैकेट में मूंग दाल गायब है। अब हम समझ सकते हैं कि एक पैकेट में 5 किलो मूंग दाल गायब होने का मतलब है 500 रुपये का एक बच्चे के पोषाहार पर डाका। और हम चूंकि समाज को शिक्षा देने वाले लोग हैं और हमारे सामने यदि इस तरह का भ्रष्टाचार, वो भी कमजोर तबके के बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं,
उनके साथ इस तरह का यदि भ्रष्टाचार किया जाएगा तो शिक्षक वर्ग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हमें मजबूर होकर अभिभावकों को साथ लेकर इस बात का खुलासा करना पड़ा और उनके सामने ये सारे के सारे पैकेट खोले गए। तो उनको भी ये लगा, क्योंकि समाज में हमारी छवि भी बदनाम हो रही है। गांव की जो नासमझ जनता है वो ये नहीं समझती कि इसमें भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर हुआ है। शिक्षक वर्ग बदनाम हो रहा है वो हमें कतई मंजूर नहीं है। विजय पोटलिया, जिलाध्यक्ष शिक्षक संघ शेखावत चूरू। विजय सिंह शेखावत, जो सीकर का मूल निवासी है, जिसने यहाँ कॉर्नफील्ड द्वारा जो सामग्री स्कूलों में मिड डे के लिए भेजी जाती है उसका वो इंचार्ज है, उसके द्वारा गिरधारी सिंह, दशरथ सिंह और भवानी सिंह तीन ड्राइवरों के साथ पिकअप गाड़ियाँ इनकी जो थी उनमें माल लोड करवाया गया था। प्रधानाध्यापकों द्वारा उसकी शिकायत की थी कि दाल व तेल की जगह पर नमक के पैकेट मिले। तीनों ने रास्ते में इस संबंध में अमानत में ख्यानत करके जो पैकेट दाल के थे, महंगी या दाल 90 रुपये किलो है, उसमें नमक के और तेल वाले पैकेटों में नमक के दाल के और खुर्द बुर्द माल किया है, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है।